हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग वीडियो, टॉप स्टार सक्सेस स्टोरी और इन दिनों बीएचयू पाठशाला आप लोग को बीएचयू के काउंसलिंग के वीडियो कंटिन्यूस लेके आ रहा है। और आज मैं स्पेशली एक बहुत ही बंपर वीडियो लेकर आया हूं जो कि डीएवी, जो कि बीएचयू के रिलेटेड अफिलेटेड कॉलेज है। और इसके बारे में फुल आपको बात बताऊंगा, बेसिक इंट्रो, फीस स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, क्लास प्रॉपर चलती है कि नहीं, टीचर कौन होता है और बीएचयू से कैसे संबंधित है डीएबी और बीएससी वगैरह, पूरे कोर्स के बारे में बताऊंगा। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर और जल्दी से उस घंटे को दबा लो जिससे आपको कोई अपडेट ना छूट पाए, क्योंकि अभी जो भी वीडियो जा रहा है वो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वीडियो आप डिस्किप करते हो, छोड़ते हो, तो कहने का आप अपडेट मिस कर जाओगे, अपडेट मिस कर जाओगे तो काउंसलिंग में हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज सर का मॉर्निंग में वीडियो गया था, आप लोगों ने बहुत सारा उसको लव और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आप लोग को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, बीएचयू वर्सेस डीएबी लिखने का मेरा कतई कोई यहाँ पे निगेटिव सेंस मत लीजिएगा, कोई किसी के तुलना नहीं है, दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेस्ट है, अपनी अपनी जगह पे कोई भी कॉलेज बुरा नहीं होता है अगर उसकी जो फैसिलिटीज होती है उसे सही से ऑपरेट किया जाए तो, ठीक है। अब मैं बेसिक इंट्रो की बात करूं तो इसका जैसे कि मैं बता दूं कि ये बनारस में ही है, ये अफिलेटेड कॉलेज है, इसका जो मेन कैंपस से दूरी है वो महज 5 किलोमीटर होगा, मैक्सिमम 6 किलोमीटर होगा। लोहटिया लोहामंडी बनारस का एक लोकेशन है, उसके पास ही कपिल चौरा हॉस्पिटल है, बस उसी के पीछे है, तो ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। मैं बता दिया, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको मेन कैंपस से बहुत दूर नहीं रहना है। हाँ, दूसरी बात आती है कि यहाँ बच्चा पढ़ने वाला जो है वो कहाँ रहता है, तो जैसे बीएचयू मेन कैंपस के बच्चे बस 30% हॉस्टल पाते हैं, बाकी 70% बाकी लॉज वगैरह यूज करते हैं, हॉस्टल्स वगैरह यूज करते हैं, रूम लेके पढ़ते हैं। वैसे यहाँ के बच्चे अपना लॉज वगैरह, रूम वगैरह वही स्कूल जो कॉलेज है उसी के अगल बगल में है, वहां पे अपना रह के अपना खुद से बना खा के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्पेशल कोर्सेस चलाए जाते हैं, जिसमें बीआर सोशल बहुत ही फेमस कोर्स है, यहाँ पे अच्छे चलाया जाता है, यहाँ पे बीकॉम चलाया जाता है, लेकिन कतई मत समझिएगा कि यहाँ पे बीएससी क्लास चलती है, यहाँ पे बीएससी नहीं है। और उसके बाद मैं फैसिलिटीज की बात करूं, क्यों मुझे लग रहा है फीस स्ट्रक्चर समझा देना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं एक एग्जांपल एक बताता हूं, बीए का बताता हूं, यहां पे फीस जो है वो दो लेवल पे डिफाइन की गई, जैसे मेन कैंपस पे डिफाइन वैसे ही किया गया। मैं बात करूंगा जनरल और ओबीसी, इनकी जो कॉमन फी, जो रेगुलर फीस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलर फी जो बोलते हैं वो है 10K, कितना है, 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए जो है वो रेगुलर फी है बीए का डीएबी में जनरल ओबीसी के लिए। अगर मैं यही एससी और एसटी की बात करूं तो ये फीस घट के हो जाता है 4,000 के, मतलब 4,000 रुपए, ठीक है, 4K, 4,000 रुपए आपको रेगुलर का, पेड़ का नहीं है, पेड़ में अगर जाते हो तो लगभग मैं समझता हूं 15 से 17,000 रुपए एडिशनल देना पड़ेगा जनरल ओबीसी का, उसी रेशियो में लगभग एसटी एससी को भी देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 25 से 30,000 रुपए का पर ईयर एनुअल फी आने वाली है पेड़ वालों का, रेगुलर वालों का वही जो मैंने बताया 10,000, 4 और यही है, ठीक है। फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कैंटीन है, जैसे बीएचयू में भी कैंटीन है, मैत्री है, एग्रो कैंटीन है, बहुत सारे सीसीडी भी है मेन कैंपस में, तो लेकिन वहां पे एक छोटा सा कैंटीन है जहां पे आप थोड़ा मोड़ा कुछ खा पी सकते हो। मेडिकल की बात करूं तो यहाँ पे तो पूरा सुंदरलाल हॉस्पिटल ही है, यहाँ पे भी एक छोटा सा एक रूम में फर्स्ट एड वगैरह के लिए है, जहां पे आप पैरासिटामोल वगैरह इजीली अपना अवेलेबल करा सकते हो, और वहां पे डे सुनता हूं 2-3 दिनों पे डॉक्टर भी आता है, आप चेकअप भी करा सकते हो। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज यहां पे बहुत बम्पर है भाई, स्पोर्ट्स में लगभग जो कॉमन फेमस स्पोर्ट्स है, क्रिकेट हो गया, कबड्डी तो ग्रुप बना के खेल लेते हैं, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये भी यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। लाइब्रेरी, बीएचयू में तो सेंट्रल लाइब्रेरी और सेंट्रल साइबर लाइब्रेरी है, वहां पे आपको बस सेंट्रल लाइब्रेरी मीन हार्ड कॉपी वाला लाइब्रेरी मिलेगा, और वो लाइब्रेरी जो है उसमें आपको लगभग वीकली और डे वाइज जो मैगजीन होती है 14 से 15 आती है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो वहां पे भी एक मैं पॉजिटिविटी बता रहा हूं, वहां का लाइब्रेरी भी है। अब यहां पे जब पूरी बात मैं आपको समझा दिया तो कुछ ऐसी बातें मैं समझाने जा रहा हूं जो अक्सर दिमाग में हमारे घर कर जाता है, हमारे दिमाग में ये बात हमेशा परेशान करता है, और कई बार ऐसे कॉमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि डाउट क्लियर कर देना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मुझे कॉल आया था, मैं बहुत एक्सपोजरली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कॉल था, उन्होंने अपनी बहन की फैसिलिटीज के बारे में पूछा था कि वो एमएमबी में जाती है तो क्या वो रात में, मतलब तो कितने रात तक वो बाहर रह सकती है, और एक क्वेश्चन था कि मोबाइल रख सकती हॉस्टल में कि नहीं, और कुछ कपड़ों से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब इस तरीके से। तो खैर मैं उतना उचित नहीं समझा, फिर भी मैंने अपने लेवल पर उनको समझाया, क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आया था,
हाँ लेकिन एक बात है, मैं गर्ल्स को ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि बहुत जल्द मैं एमएमबी के कुछ सीनियर जो गर्ल्स हैं मैं उन कांटेक्ट कर भी रहा हूँ, जैसे ही वो लोग से मेरा मुलाकात हो जाता है क्योंकि अभी लोग घर पे हैं, तो मैं उनसे गर्ल्स के लिए क्या कैसे रहना है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, कैसे कि जो ध्यान देना है, क्या केयर करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी बातें मैं उन्हीं से सुनवाऊंगा बतवाऊंगा, जिससे कि आपका ये जो डाउट है मैं समझता हूँ ये गर्ल्स स्पेशल होगा और मैं खुशी होगा मैं उस वीडियो को आप तक दूं, क्योंकि मैं इस वीडियो को तो बना नहीं सकता क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं उस चीजों का, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि जो सीनियर दीदी लोग हैं वो आपको बात बताएं। हाँ उसी तरीके से जो क्वेश्चन बार बार आता है कि क्लासेस प्रॉपर चलती नहीं डीएवी में, लोगों को लगता है कि अरे यार एफिलेटेड कॉलेज है, ऐसा तो नहीं कॉलेज ही क्लास ही नहीं चलता होगा, ऐसा करता ही नहीं है। मैं बता दूं कि मेन कैंपस से भी सुनने में आता है कि यहाँ पे क्लासेस कई बार अच्छी चल जाती है, ये डिपेंड करता है कि टीचर्स वगैरह वहां पे किस तरीके से वहां पे हैं, और मैं बता दूं कि वहां का टीचर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का होता है, ऐसा कतई ही नहीं है कि आपका मेन कैंपस का टीचर वहां जाके टीचिंग कराता है, कभी कभी ऐसा रेयर में हो सकता होगा, लेकिन वहां का टीचर अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मास्टर है और वहां पे आपको पढ़ाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में बैठा लेना कि प्रॉपर क्लासेस चलती है और वहां का इंडिविजुअल अपना सब्जेक्ट का टीचर होता है, ये दोनों डाउट क्लियर कर लो। और उसके बाद डीएवी बीएचयू से कैसे रिलेटेड है, वैसे तो अफिलेटेड कॉलेज रिलेटेड तो है, लेकिन एक बात और मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि बीएचयू मेन कैंपस जो है वही पूरे अदर एफिलेटेड कॉलेज जैसे आरजीएससी, वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, एमएमबी, ये जितने भी कॉलेजेज हैं, वैसे एमएमबी को इंटीग्रल कॉलेज बोला जाता है, ये पूरे कॉलेज का कर्ता धर्ता जो है वो है आपका मेन कैंपस। मीन्स आपकी डिग्री कहां इश्यू होगी, मेन कैंपस। कोई ऑफिशियल वर्क है कहां पे होगा, मेन कैंपस। कहां पे होगा, सेंट्रल ऑफिस। पेपर कहां होगा, मेन कैंपस में। मींस और जो एनुअल फेस्ट होता है वो भी कहां पे होगा, ऑर्गेनाइज, मेन कैंपस में। कहने का मतलब ये है पढ़ाई दूर करते हो, पूरा काम मेन कैंपस में ही लगभग होता है। आप घूमने भी आ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि बीएचयू गेट में अंदर घुसने से पहले आपसे आईडी पासवर्ड मांगी जाएगी और आप डीएवी को तो बोला जाएगा भाई ऐसा करो आप चले जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आओगे उतना ही जित मिलेगा जितना मेन कैंपस बच्चों को मिलता है। हाँ दूसरी चीज, यहाँ पे ज्योग्राफी की बहुत डिमांड है, लोग बोल रहे हैं कि सर डीएवी में जाएंगे ज्योग्राफी मिलेगा कि नहीं, तो मैं आपका एक बात पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, वहां पे ज्योग्राफी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा इसका बात समझा दूं, तो वहां पे बीएससी है नहीं, और ज्योग्राफी जो है वो बीएससी का सब्जेक्ट है, वो अलग बात है कि वो सोशल और आर्ट्स के थ्रू लोगों को भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आप पूरे समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट्स है मेरे दोस्त, तो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर और कमेंट करके बताओ कि आपके कौन से डाउट रह गए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से आपको बात समझा सकूं। और शेयर करो प्लीज, इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, क्योंकि बीएचयू पाठशाला आप लोग के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, टीम लगी हुई है पिछले कई महीनों से, बीएचयू के पास बहुत अच्छे अच्छे रैंक भी आए हैं, न्यू एनरोलमेंट चालू है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर आपको फिर से तैयारी करनी है तो एटलीस्ट नॉलेज तो बढ़ेगा ही कम पैसे में, अगर आप भाई डेली बेसिस पर अगर पढ़ते हो तो चीजें बढ़ती हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ओके भाई भाई, टेक केयर, हर माधव जैसे, और प्लीज यू डू लाइक एंड डू शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज स्माइल, बाय बाय।